चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर्स बनाने के टिप्स को पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि टिप्स जो होती हैं वो रूल नहीं है, वो टिप्स हैं। मान लीजिए 100 स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो, तो हमने जो स्टडी किया उसमें क्या पाया कि 95 स्ट्रक्चर्स इस मेथड से बनाई जा सकती हैं, उनको लर्न ही करना पड़ेगा। तो 5% ऐसी होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो स्ट्रक्चर्स हमारी टिप्स को फॉलो नहीं करेंगी। जैसे H2S2O3, इसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप इसको देखें, आप H2S2O3 को, तो आप दिमाग लगाएंगे यहां पर कि हमारे पास सेंट्रल एटम दो है, टू, सराउंडिंग एटम देखोगे तो इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो अगर हम बात करें हमारे हिसाब से, तो हमारी लिंकेज आनी चाहिए SOS। फिर हमने कहा था बेसिसिटी जो है वो दो होनी चाहिए, दो है, सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, ये स्ट्रक्चर हमारी बननी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होती है वो तभी स्ट्रक्चर कहेंगे उसे जब वो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे मॉलिक्यूल की। जब इसकी प्रॉपर्टी देखी गई तो इसमें जो दोनों सल्फर थी वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की आ रही थी और अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे। ये प्रोडक्ट हम आगे पढ़ेंगे जब आएंगे, तो उस हिसाब से समझ में आया कि इसकी स्ट्रक्चर ये नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो मैंने उस दिन भी बताई थी आपको, जब मैंने थायो प्रीफिक्स पढ़ाया था, तो मैंने कहा था ये H2SO4 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाएंगे, एक सल्फर लगाएंगे, तो ये आपके बनेगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब मैंने आपको बताया था इसके अंदर, तो ये भी बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर में वहाँ पर भी डाउट था कि ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाला जाए कि यहाँ से निकाला जाए। तब मैंने कहा था कि अगर यहाँ से निकाल देंगे तो फिर तो बेसिसिटी चेंज हो जाएगी इसकी, इसलिए यहीं से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। इसलिए जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये आएगी। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो सल्फर है, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम तो sp3 आएगा, और अगर इस सल्फर की बात करेंगे हम, ऊपर वाले सल्फर की, तो ये एक सिग्मा, एक लोन पेयर और एक और लोन पेयर, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आएगा। तो ये आपका sp3 आएगा, ये आपका sp2 आएगा। sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सल्फर है ऑक्सीजन खींचेगा, यहाँ भी एक ऑक्सीजन खींचेगा, एक ऑक्सीजन खींचेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन खींचेगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 और वो दो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -2। तो यानी थायो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सेंट्रल एटम है उसका जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा +6, और जबकि आपका ये जो सल्फर है इसका आएगा -2। क्या आएगा? -2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इसका -2। क्लियर सबको? ये आपकी स्ट्रक्चर आ गई। तो ये स्ट्रक्चर देखो आपकी टिप्स को फॉलो नहीं कर रहा। आपके हिसाब से लिंकेज SOS होनी चाहिए, लिंकेज SS है। मैंने बताया भी था लिंकेज का मतलब है बॉन्ड होना, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, फिर ऑड नंबर में ऑक्सीजन है तो लिंकेज आनी चाहिए यहाँ पर SOS, ये भी लिंकेज SOS नहीं आती, यहाँ SS लिंकेज है। इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ये देखो आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा, इसका निकालेंगे तो +5 आएगा, ठीक है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा इन दोनों की वजह से। ये दो इलेक्ट्रॉन खींचे ऑक्सीजन ने +2, ये एक खींचा +3, ये दो भी खींचे और +2, तो +5 हो गया, ये दो खींचे +1, ये भी एक खींचा +1, टोटल कितना हो गया +3। यहाँ पर भी आप देखो ऑड नंबर में है लेकिन लिंकेज SS है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना नहीं तो ये गड़बड़ कराएगा सवालों में। यहाँ पे
ये आपके सल्फर के दो मॉलिक्यूल हैं जो आपके टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर सबको? अब देखो अगला। यहां पर आपने जब दो में से एक वाटर निकाला तो ये बना था, इसका नाम होता है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? अब इधर ध्यान दो, ये जो सीरीज है ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम होता है पॉली पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। क्या कहते हैं इसको? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज, यानी कि ये पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज है जिसके अंदर इसका एक नाम मैंने पहले बताया था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन इस सीरीज का नाम एक और बनेगा। इसका नाम इस सीरीज की वजह से, दो फॉस्फोरस है तो इसका एक नाम और हो गया डाई पॉली फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? ट्राई पॉली फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? टेट्रा पॉली फॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या बनेगा? पेंटा पॉली फॉस्फोरिक एसिड। हाँ या ना? क्लियर? तो ये सारे के सारे पॉली फॉस्फोरिक एसिड सीरीज के मेंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हमारी टिप्स की बात करें तो कैसे बननी चाहिए बताओ? तीन फॉस्फोरस, सेंट्रल एटम मोर देन टू है, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है। यस है? तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? साइक्लिक बनना चाहिए, पर ये साइक्लिक नहीं बनते हैं। ठीक है? तो यही आपका यहाँ पर हमारी टिप्स के अंदर से वेरिएशन है। ये लिख लिया आपने। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो बताता हूँ। देखो चलो यहाँ बना देते हैं P3। P4 बना दिया, चार बना देंगे तो पीओपी लिंकेज आती जाएगी। क्या आती जाएगी इसमें? पीओपी लिंकेज आती जाएगी। क्या आती जाएगी इसमें? पीओपी लिंकेज। ठीक है? अगर आपसे बोला जाए कि पीओपी लिंकेज कितनी है तो आप बोलेंगे n-1। n यहां पर नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, यहां पर आप देखो कितने हैं? टू। तो अगर आप टू रखोगे तो पीओपी लिंकेज कितनी आएगी? वन। यहां कितनी आएगी? टू, थ्री, फोर। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, या यूं कहो चेन लाइक स्ट्रक्चर चल रही है, जबकि होना चाहिए था ये साइक्लिक। तो आपको टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज के बारे में पता होना चाहिए जो हमारी टिप्स को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है? आप देख सकते हो अगर इन दोनों को बाहर निकालें इसमें HPO3 का डिफरेंस आएगा, यानी कि आपको ये अगर याद रह जाता है और इसके बाद ये सीरीज बनानी होती है तो आप इसमें क्या ऐड कर दो फटाफट? HPO3। तो ये बन गया, देखो HP3 ये जुड़ गया, HPO3 ये HPO3। तो आप इसमें ऐड करते जाओ HPO3, आपके पास सीरीज बन जाएगी।
ये लीनियर, ठीक है, चेन सीरीज है, चेन लाइक। अब अगर यहां पर बात करते हैं अपन किसकी, CrO5, तो आप देखो सेंट्रल एटम एक है यहां पे, तो अब एक ही सेंट्रल एटम अगर है तो आप सोचो सेंट्रल एटम एक में कभी साइक्लिक हो सकता है, नहीं। पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक, क्योंकि इसमें दो परोक्सी लिंकेज है। अगर आप नॉर्मली इसको देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +10, पर क्रोमियम का +10 नहीं हो सकता, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, +6, लेकिन यहां पर देखो आप कितना आएगा, +6 से आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है तो परोक्सी लिंकेज होगी पक्का। ये परोक्सी लिंकेज, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, माइनस टू है, +6 आ गया। ये माइनस वन क्यों आया, क्योंकि ये क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक, माइनस वन, ये भी एक खींचेगा माइनस वन, ये भी एक खींचेगा माइनस वन, ये भी एक खींचेगा माइनस वन, नहीं आ रहा, और ये दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2, क्लियर। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और इसमें दो 3 मेंबर रिंग है, 2 3 मेंबर रिंग्स, क्या है जल्दी बताओ, ये 2 3 मेंबर रिंग्स, तो इसमें आपके 2 3 मेंबर रिंग्स है और 3 मेंबर रिंग है, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। ये ब्लू कलर का एक कंपाउंड है, क्या है, ब्लू कलर कंपाउंड, तो नोट करके लिखना, CrO5 इज अ ब्लू कलर कंपाउंड, इट्स ब्लू कलर रैपिडली फेड्स अवे इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर आते इसका क्या होता है, रैपिडली फेड्स अवे, इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है, क्योंकि अनस्टेबल है, 2 3 मेंबर रिंग है तो ये टूट जाएगा। लेकिन अगर इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं लाइक ईथर, तो इसका ब्लू कलर रिमेन्स सेम, क्योंकि ईथर जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऐसे एक, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ये एडक्ट बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल मिलकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब एक मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसे एडक्ट कहा जाता है। तो यहां पर क्या बोलोगे आप कि इट्स ब्लू कलर रिमेन्स सेम इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम को स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर कंपाउंड है CrO5, और ये स्टेबल रहता है इसमें, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। B2 O2 hole 2, ये O2 hole 2, OH hole 4, 6H2O, इसका नाम होता है सोडियम परोक्सीबोरेट, इसका नाम क्या है, सोडियम परोक्सीबोरेट। ये सोडियम परोक्सीबोरेट जो है, ये सोडियम परोक्सीबोरेट में सेंट्रल एटम दो ही है, सेंट्रल एटम अगर दो ही है तो आप सोच सकते हो कि सेंट्रल एटम दो में साइक्लिक नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, बन रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारी टिप्स को फॉलो नहीं कर रही, ठीक। ये सोडियम परोक्सीबोरेट जो है, इसका एक खास यूज होता है,
कि ये यूज किया जाता है एज अ ब्राइटनर, ब्राइट मतलब चमक देने वाले, एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर, निर्मा, निर्मा में ले सकते हो आप, सर्फ एक्सेल में ले सकते हो आप, टाइड, धोडाला, सब में ले सकते हो, ठीक है। तो इट इज यूज एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर, क्लियर। ये आपका एक और स्ट्रक्चर हो गया। अगला आता है आपका K3CrO8। ये आपका K3CrO8 भी पोटेशियम परोक्साइड की तरह ही होता है और ये विंड चेम की तरह होता है इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हो विंड चेम होता है जो आपके दरवाजे के बाहर लगाते हैं ना, टन आवाज आती है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -1 आएगा, ये -1 -1 -1, तो यहाँ टोटल कितना चार्ज आएगा, देखो 3, 4, 5 नेगेटिव है, +5। अगर आप ध्यान से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से आउट ऑफ रेंज आएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, आउट ऑफ रेंज। तो ये आउट ऑफ रेंज नहीं है क्योंकि यहाँ +5 आएगा, एक परोक्सी लिंकेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऐसी स्ट्रक्चर्स थी जो अपनी टिप्स को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक। तो वो आपके खत्म हो गए। एक नई सीरीज होती है जिसका नाम होता है थायोनिक एसिड सीरीज। जिसमें ये आपने पढ़ा था, याद करो तो H2S2O6, इसका नाम आया था एक पहले हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है इसका, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी सीरीज के मेंबर हैं वो, एक एक सल्फर बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ ऐसे, होल एन कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई थायोनिक एसिड, दो है तो क्या बन जाएगा, डाई थायोनिक। इसका नाम हो जाएगा ट्राई थायोनिक एसिड, इसका हो जाएगा टेट्रा थायोनिक एसिड, इसका पेंटा थायोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, पेंटा थायोनिक एसिड, इसका पॉली थायोनिक एसिड, ये सीरीज में आपका टिप्स का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है, टिप्स फॉलो करेंगे ये, ठीक है, टिप्स फॉलो करेंगे, क्लियर है। ये तो आपको बताया कि एक एसिड सीरीज होती है, वो सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है ये, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखते हैं, इसका नाम था दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, ठीक। अब इनका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, इनके स्ट्रक्चर में कोई खास बात नहीं है। यहां पर आप देखो, अगर मैं H2S2O6 का बना हुआ स्ट्रक्चर, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास, SS, सेंट्रल एटम दो है, ये इवन नंबर में है, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज आएगा तो आपका SOOS आता है, और अगर रेंज में आएगा तो SS आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, तो देखो आप 6, 2, 12 में से 2 गए तो 10, 10/2, यानी कि 5 आएगा इसका। रेंज में आएगा तो SS लिंकेज आ गई, बेसिसिटी 2 है, सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, तो एक ओएच इधर, एक ओएच इधर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अगर मैं यहाँ पर H2S3O6 की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या आएगा, S
एस एस ओ एच ओ एच सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, इसलिए एक ओ एच इधर एक ओ एच इधर, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ एच टू एस फोर ओ सिक्स तो क्या आएगा, सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले, सेम एटम है यहाँ पर, ध्यान से देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो यहाँ पर आपका जो है वो इनमें आपस में कोई चार्ज नहीं आ रहा, ये खींचेगा एक ये दो और ये दो, तो यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ पांच आएगा, यहाँ पांच आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पांच आएगा, यहाँ पांच आएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो ये है 10/2 10/3 10/4 पॉलीथायोनिक की बात कर लें तो कैसा बनेगा, एस 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 ओ एच डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो एल माइनस टू। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ऐसे कहा जाए यार कि एस टू एस फोर ओ सिक्स का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ एन इज इक्वल टू फोर रख दो, फोर रखते ही यहाँ पर माइनस टू करते टू आएगा सल्फर में, ये टू आ गया एस एस, तो स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी ना, क्लियर। तो ये पॉलीथायोनिक एसिड की हो गई, ठीक। अच्छा अगर एस एस लिंकेज पूछी जाए तो एन माइनस वन कर देंगे सीधा सीधा, देखो आप यहाँ दो है तो लिंकेज एक, तीन है तो लिंकेज दो, चार है तो लिंकेज तीन, क्लियर। अब मैं ये कह रहा था कि अगर एक सवाल पूछे कि ये जो पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज की बात हम कर रहे हैं, इस पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज में अगर नीचे आने पर यानी कि सल्फर का नंबर बढ़ाएं तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इंक्रीज, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलोगे, डिक्रीज। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स अगर इंक्रीज तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, लेकिन एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो आप एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट पर फर्क नहीं पड़ रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब ये प्लस फाइव है ये प्लस फाइव है, तो हर एक में ये प्लस फाइव ही आ रही है, बीच वाली जीरो है तो हर एक में जीरो ही आ रही है, क्लियर। तो दो पॉइंट लिख लेना कि व्हेन नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेज इन पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज देन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, क्लियर। दूसरा लिखना नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है, उससे अगर आपको लिंकेज पूछी जाए तो क्या करना है, एन माइनस वन नंबर ऑफ एस एस लिंकेज, क्या लिखेंगे आप, एन माइनस वन। फिर अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6। इसका एक नाम था अभी, क्या था, सोडियम, सॉरी पहले वाले का नाम क्या था, टेट्राथायोनिक एसिड। अब जो एक एसिड होता है अगर उसका सॉल्ट बनाते थे तो मैंने कहा था एट आएगा, क्या आएगा एट, इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम टेट्राथायोनेट, क्या आएगा इसका नाम, सोडियम टेट्राथायोनेट, क्या आएगा जल्दी बताओ, सोडियम टेट्राथायोनेट, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले आयनिक कंपाउंड अगर दिया जाए तो उसे अलग कर लो, बिल्कुल अलग कर लिया। अब जो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो ध्यान से सुनना, कि जैसे कोई एनायन दे दे आपको डायरेक्ट किसी ऑक्सी एसिड का, तो हमने जो टिप्स लगाई है टिप्स पढ़ी है वो ऑक्सी एसिड के एनायन पर डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं करनी है,
पहले उसका ऑक्सी एसिड बनाना है। लाइक आपको पहले इसका क्या करना है, जितने नेगेटिव दिख रहे हैं उतने एच प्लस जोड़ने हैं, ये आपका ऑक्सी एसिड बनेगा। फिर इस ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर करो आप, बनाओ। बना दी, फिर यहां से एच हटाओ, यहां नेगेटिव लगाओ क्योंकि एच गया होगा ना यहां से। फिर इस बॉक्स को ऐसे बंद कर दो और फिर ये आपका एन प्लस आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगी। अगर आपने एसिड नहीं बनाया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम मोर देन टू, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो आप बोलोगे साइक्लिक बनेगा। लेकिन जैसे आप एसिड बनाएंगे तो आपको नजर आएगा सेंट्रल एटम मोर देन टू है, सराउंडिंग एटम मोर देन टू है, लेकिन ये वाला नहीं है। ऑल सराउंडिंग एटम मोर देन टू होना चाहिए, या नंबर ऑफ ऑल सराउंडिंग एटम या तो ग्रेटर देन होना चाहिए सेंट्रल एटम से, या बराबर होना चाहिए, तो ये नहीं है बराबर, तो आपको खट से पता लग जाएगा कि साइक्लिक नहीं बनेगा। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा प्लस 00 प्लस। अब ITJEE एडवांस में पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर एंड दिस सल्फर, तो आंसर 5 आ जाएगा। 5 माइनस 0 करोगे तो 5 ही आएगा, डिफरेंस निकालोगे तो। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आएंगे तो आप एप्लीकेबल कर लेंगे, सारे सवाल ऐसे आएंगे तो कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपकी थायोनिक एसिड सीरीज थी। ठीक है, अब आपको एक डीपीपी दी गई है, और ये एक डीपीपी जो है वो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, जिसमें स्ट्रक्चर्स बनी हुई होंगी। आई थिंक डीपीपी नंबर 12 होगी शायद, देख लेना, आपको दिख जाएगा पहला स्ट्रक्चर जैसे H2SO4 का बनाना होगा, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे आपको मिलेंगे। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, क्योंकि अगली क्लास जो होगी उसमें मैं सारे स्ट्रक्चर बोर्ड पर बना दूंगा, आप चेक कर लेना फिर कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है, जो गलत है उन्हें मार्क करके लिख लेना। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन एक तरह से अपना कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट टॉपिक बचा है बस। ठीक है, और फिर शीट के कुछ अच्छे सवाल 2-4 जो बताने होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये 11th की इनऑर्गेनिक का समापन हो जाता है यहाँ पे, जो हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं कोटा के अंदर। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है इनऑर्गेनिक का, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्लो कर दिया था ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें और पूरा फोकस कर सकें। ठीक है ना, और ये जान पूछ के एंडिंग में स्लो कर देते हैं हम, ताकि आप लोगों का फोकस बना रहे, जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करने से फोकस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।